जी स्टूडेंट्स, आज हम देखने लगे हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसको कहते हैं और कंप्यूटर क्या होता है हमारे पास। ठीक है, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। जब आपको समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर क्या है, फिर आपका खुद ब खुद इंटरेस्ट डिवेलप होगा इस सब्जेक्ट में और आप इसको इजीली पढ़ सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन को। कंप्यूटर इज अ डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है मशीन, या आप कुछ भी कह सकते हैं जो चीज क्या करती हो, तीन स्टेप परफॉर्म करती हो। वन इज इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जो भी डिवाइस यानी जो भी मशीन ये तीन स्टेप परफॉर्म करती होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कंप्यूटर कहलाएगी। ठीक है, अगर छोटी सी एक डेफिनेशन है, ये तब की डेफिनेशन है जब कंप्यूटर अभी बिल्कुल नया नया आया था, अभी लोगों को इतनी नो हाउ नहीं थी। ये काफी पुरानी डेफिनेशन है। आज के दौर की जो डेफिनेशन है, आगे हम उसको भी देखेंगे। फिलहाल पहले आप ये समझें कि कंप्यूटर इज अ डिवाइस, डिवाइस या मशीन आप कह सकते हैं, जो कि कौन से तीन काम परफॉर्म करती हो, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, जो भी तीनों ये काम परफॉर्म करती होगी, डिवाइस या मशीन, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कंप्यूटर कहलाएगी। ठीक है, अब इनपुट क्या होती है हमारे पास। इनपुट का मतलब होता है कि डेटा को एंटर करना, यानी कंप्यूटर के अंदर डालना। ठीक है, इनपुट मीन क्या है आपके पास, डेटा को एंटर करना। अब टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन सा हो सकता है, वॉइस डेटा हो सकता है, जिसमें हमारे माइक्रोफोन है, हम उससे बोलते हैं, तो हम डेटा क्या कर रहे होते हैं, एंटर कर रहे होते हैं। वीडियो है, कैमरा यूज कर रहे होते हैं हम शूट करने के लिए, तो कैमरे के लिए कैमरा क्या होगी हमारे पास, इनपुट डिवाइस होगी। टेक्स्ट है, टेक्स्ट हम खुद टाइप करते हैं थ्रू कीबोर्ड करते हैं, बुक्स लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, प्रपोजल लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, जर्नल्स लिखते हैं। ये सारा क्या है हमारे पास, हम खुद से डेटा एंटर कर रहे होते हैं, ये क्या है हमारे पास, इनपुट है। इमेज है, आप इमेज क्लिक कर रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारे पास, इनपुट डिवाइसेज हैं। ऐसे ही इनपुट है हमारे पास, यानी जिसमें हम डेटा खुद एंटर करें, यूजर एंटर करे, वो क्या कहलाती है हमारे पास, इनपुट कहलाती है। इसके बाद प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होती है आपके पास, कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशंस या वर्किंग आपके पास होती है। ठीक है, जो भी काम बैकएंड पे या जो भी क्वेश्चन आपके पास जब आपको गिवन होता है, वो क्या होता है आपके पास, क्वेश्चन इज अ इनपुट। जब आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, प्रोसेसिंग, यानी जिसपे आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, हम जो वर्किंग करके आपको रिटर्न कर रही होती है, वो क्या कहलाती है आपके पास, प्रोसेसिंग कहलाती है। और आउटपुट क्या होती है आपके पास, आपका रिजल्ट, इंफॉर्मेशन या आंसर होता है। जिस तरह सपोज अभी आपने पढ़ा कि आप वॉइस एंटर करते हैं, वॉइस एंटर आप किससे कर रहे होते हैं, माइक्रोफोन को या माइक को यूज करते हुए एंटर कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट आपको किस कौन दे रहा होता है, स्पीकर, स्पीकर से आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही होती है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप लोग क्लिक कर रहे हैं इमेजेस या कैमरा यूज करते हुए या टेक्स्ट लिख रहे हैं, जब आप कीबोर्ड से टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो वो आपको कहाँ पे शो हो रहा होता है, स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, तो स्क्रीन या आपकी जो मोनिटर है, वो आपके पास क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अब ऐसी कोई भी डिवाइस जो के इनपुट ले, उस पर प्रोसेसिंग करें यानी कैलकुलेशंस परफॉर्म करे, और उसके बाद उसका कोई रिजल्ट या इंफॉर्मेशन या आंसर रिटर्न करे, या कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको हम आउटपुट कहते हैं, वो क्या कहलाती है आपके पास, कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है, अब जो अभी मैंने आपको बताया कि डिवाइस, जो भी कंप्यूटर की डिवाइस कौन सी होगी, जो इनपुट ले, उसके बाद क्या करे, प्रोसेसिंग करे, और उसके बाद आपको क्या रिटर्न करे, आउटपुट रिटर्न करे। सपोज करें फैन है आपके पास, फैन ऑन करने के लिए आप हमेशा क्या, डिमर से ऑन करते हैं या बटन प्रेस करते हैं, आप उसको इनपुट देते हैं तो फैन ऑन होता है। क्या फैन इनपुट लिए बगैर ऑन हो सकता है, यानी बटन ऑन किए बगैर सिर्फ आप फैन को देख के ये सोचें कि ऑन हो जाओ तो वो ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं, बटन या डिमर को ऑन करते हैं, वो क्या होती है, आप इनपुट दे रहे होते हैं, अब वायर्स के थ्रू उस तक इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और वो गोल घूमना शुरू करता है। ठीक है, अब वो गोल घूम रहा है, ये क्या मतलब है कि ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, कि वो उसके साथ ये कनेक्शन है, उसको पता है कि मेरा वाला जब ये वाला बटन ऑन होगा तो मुझ तक करंट आएगा और मैंने क्या काम करना है, प्रोसेस करना है, गोल घूमना है। अब जब फैन गोल घूमेगा तो वो आपको क्या देगा, हवा देगा, तो हवा के आपके पास आउटपुट है। तो इस सेंस में तो फैन भी हमारे पास एक कंप्यूटर हुआ। ठीक है, क्योंकि वो इनपुट ले रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, और हमें क्या रिटर्न कर रहा है, आउटपुट रिटर्न कर रहा है। इसी तरह अगर आप देखें वॉशिंग मशीन्स हैं आपके पास, वॉशिंग मशीन्स का भी तो यही काम है कि वो इनपुट लेती हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं, उसके बाद वो चलती हैं और फिर आपको रोटेट करती हैं और आपको क्या दे देती हैं, आउटपुट दे देती हैं, आपके कपड़े वॉश करके दे देती हैं। ठीक है, तो ऐसी हर चीज जिसमें आप इनपुट एंटर करें, वो बैकएंड पे कोई प्रोसेसिंग करे और फिर आपको जो है आउटपुट रिटर्न करे, वो क्या हो जाएगी आपके,
कंप्यूटर होंगे। अब कंप्यूटर आप लोगों के माइंड में होगा कि एक लैपटॉप या जो थ्री पीस में दिखने वाला पीसी होता है यही कंप्यूटर होता है। नहीं बेटा, आपके मोबाइल फोन्स भी जो है वो कंप्यूटर है, वो भी इनपुट ले रहे हैं, आप खुद उनको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं, खुद ब खुद वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास कंप्यूटर होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों के पास डाटा था, कुछ राइस थे, चिकन था और कुछ मसाले थे, इनको ये इनपुट थी आपके पास, जब आप इनको डालेंगे और इन पे प्रोसेसिंग करेंगे तो आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगी, बिरयानी बन के आ जाएगी, ठीक है। तो हर वो चीज जो इनपुट ले उस पे कुछ ना कुछ वर्किंग या प्रोसेसिंग करे और आउटपुट रिटर्न करे, वो हमें क्या कहलाती है, हमारे पास कंप्यूटर कहलाती है। अब इसकी जरा ओरिजिनल डेफिनेशन को देखते हैं, जो अब के दौर की डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पे आपने एक वर्ड देखे यूज हुआ हुआ है इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती है, ठीक है, एक होती है मैकेनिकल डिवाइसेस और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता दूं इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइसेस में। मैकेनिकल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें वर्किंग के थ्रू मूवमेंट होती है, ठीक है। ऐसी डिवाइसेस जो वर्किंग में मूवमेंट रखती हैं वो क्या कहलाती हैं हमारे पास, मैकेनिकल डिवाइसेस। जिस तरह फैन है, फैन जब वर्क करता है तो वो क्या करता है, रोटेट कर रहा होता है, मूवमेंट हो रही होती है उसमें, तो फैन क्या आपके पास एक मैकेनिकल डिवाइस है। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन भी जब काम करती है, वर्किंग करती है तो रोटेट करती है, मूव हो रही होती है, तो वॉशिंग मशीन भी क्या है आपके पास, मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। अब और जब ये चीजें खराब हो जाती है तो इनको ठीक करने भी कौन आते हैं, मैकेनिक्स आते हैं। तो एम से मैकेनिक, एम से मूवमेंट और एम से मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। ऐसी डिवाइसेस जिसमें मूवमेंट नहीं होती वो आपके पास क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आई रिपीट, ऐसी डिवाइसेस जिसमें मूवमेंट नहीं होती वो आपके पास क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। ये एक फिजिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर की डेफिनेशन में था वो। अब जिस तरह आपके रिमोट हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन ये मूव नहीं कर रही हैं। आप पर प्रोसेस क्या कर रही हैं, इनपुट ले रही हैं, प्रोसेसिंग कर रही हैं और आउटपुट रिटर्न कर रही हैं, इस वजह से ये क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाएंगी। अब आपको मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जिस तरह माइक्रोवेव है। अगर आप पुराने माइक्रोवेव देखें तो पुराने माइक्रोवेव जो थे वो उनके ऊपर एक वो गोल सा सर्कल सा बना हुआ आता था, आप उनको घुमाते थे तो आपका माइक्रोवेव चलता था, ठीक है। अब वो उसमें क्या हो रहा था, सर्कुलेट कर रही थी, वो घूमता था डिमर, तो ही आपका माइक्रोवेव चलता था। तो वो वाले माइक्रोवेव क्या होंगे आपके पास, मैकेनिकल डिवाइस। और अब जो न्यू आए हुए माइक्रोवेव जिनमें डिजिटल उन्होंने लगाया हुआ है कि आप सिर्फ टच से जो है उसको कर सकते हैं, तो अब वाले माइक्रोवेव क्या हो जाएंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाएंगे, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा लगाया गया होता है जिसके थ्रू वो खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं। उनको आप इनपुट दे रहे होते हैं, वो चीज गर्म करके प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट क्या दे रहे होते हैं, गर्म गर्म चीज आपको रिटर्न कर रहे होते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन की। जो पुरानी वॉशिंग मशीन थी, सेम उसमें आप क्या स्विच अटैच करते थे खुद से, उसका डिमर ऊपर से घुमाते थे, फिर उसको सेट करते थे तो वो फिर चलती होती थी, ठीक है। जबकि जो अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, उनमें आपको ये काम नहीं करना पड़ता, आप जैसे उसको कनेक्ट करते हैं तो वो जो पुरानी वाली थी उनमें रोटेशन थी, इस वजह से वो क्या कहला रही थी आपके पास, मैकेनिकल डिवाइस। और अब जो ऑटोमेटिक आ गई हैं वो क्या कहला रही हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहला रही है, ठीक है। होपफुली आपको इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे रीड करते हैं इस डेफिनेशन को। डेट एक्सेप्ट डेटा इन अ फॉर्म ऑफ इनपुट, यानी कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो के डेटा को एक्सेप्ट करती है इन अ फॉर्म ऑफ इनपुट, यानी इनपुट की फॉर्म में क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस द डेटा, डेटा पे क्या करती है उसके बाद प्रोसेसिंग करती है, एंड गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट, और हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन रिटर्न करती है एज एन आउटपुट। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी आपके पास कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा सेव करती है किस फॉर्म में, इनपुट की फॉर्म में, प्रोसेस करती है उस डेटा को और फिर हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एज एन आउटपुट। और पीछे हम डिटेल में देख कर रहे हैं कि इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है और आउटपुट क्या होती है।
ये नोट्स में से आप लोगों ने काम याद करना है जो आप लोगों को सेवन क्लास के साथ अटैच है। ये सेम एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको गिवन दिया है, उसमें उन्होंने साथ एग्जांपल लिखी हुई है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप्स जो हैं या मोबाइल फोन ही आपके पास क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास आ रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। तो दो बेसिक पार्ट्स हैं हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के, एक है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सेकंड वन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आज जो है हम कंप्यूटर हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है हमारे पास। तो कंप्यूटर हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का जिसको आप टच और फील कर सकें, यानी वो डिवाइसेस या वो पार्ट कंप्यूटर्स के जिनको आप पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ये फर्दर आगे डिवाइड किए गए हैं थ्री यूनिट्स में। वन इज इनपुट यूनिट, सेकेंड इज आउटपुट यूनिट एंड थर्ड इज सिस्टम यूनिट। ठीक है, ये तीन यूनिट्स में हमारे पास क्या किए गए हैं, हमारे कंप्यूटर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।